क्या? ये 3, 2 and 1। ओहो, चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग की वजह से। लोकल पिज्जा वर्सेस डोमिनोज का पिज्जा। एमडी JPB. So, इस वाले ब्लॉग में गाइस कमाल होने वाला है। So, अगर तुम भी हो मेरी तरह एक पिज्जा लवर एंड तुम्हें भी पसंद है मेरी तरह पिज्जा खाना बहुत ज्यादा, So, मेरे इस वीडियो को प्लीज एक लाइक कर दो। और हाँ, अगर तुम मेरा वीडियो आज पहली बार देख रहे हो, So, वेलकम टू माय चैनल। आई एम शुभम एंड यू आर विद द स्माइल गुरु। लेट्स गो। व्हाई यू मैड? आई गॉट अ बैड ब्रो, नेम हॉट इन दी स्ट्रीट्स, नो टबास्को, बट आई एम सो स्टब, दैट्स अ फैक्ट जो, एंड इफ यू थिंक आई एम फ्रंटिंग, यू कैन रन इट बैक जो, गो रन इट बैक। You know that I run it. Everything you wanna do, I already done it. And I got your little boo telling me she love me. I got this one, that one. Damn, it's gonna be a long night. Yeah. तो ऑल राइट एवरीवन, सो अभी मेरा पहला ऑर्डर हो सके गाइस कंप्लीट ये है गाइस डोमिनोज का पिज्जा। सो अभी मैं जा रहा हूँ अपने सेकेंडरी लोकेशन पे, जो कि अगरतला का एक लोकल पिज्जा वो है गाइस पिज्जारिया में। सो अभी चलते हैं वहाँ पे, वहाँ का भी पिज्जा गाइस कलेक्ट करते हैं, फिर हम लोग चलेंगे घर पे एंड इन दोनों को के बीच में गाइस कंपैरिजन करेंगे। सो लेट्स गो। yeah, why you mad? I got a bad bro, name hot in these streets, no Tabasco, but I'm so stubb, that's a fact yo, and if you think I'm frontin', you can run it back yo, go on, run it back. You know that I run it. Everything you wanna do, I already done it. And I got your little boo telling me she love me. I got this one, that one. Damn, it's gonna be a long night. Yeah. ऑल राइट एवरीवन, सो मैं आके बैठ चुका हूँ अगरतला के एक लोकल पिज्जा शॉप में, इसका नाम है गाइस पिज्जरिया। इसका लोकेशन गाइस मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन पे डाल दिया, सो आप लोग कभी भी यहाँ पे चेकआउट करना है, सो आप लोग बाहर से इसका लोकेशन चेक कर सकते हो। तो जब तक मेरा ऑर्डर रहता है तब तक आप लोग देख लो कि यहाँ का एम्बियंस कैसा है एंड कैसे दिखता है ये वाला रेस्टोरेंट अंदर से। ऑलराइट एवरीवन, सो अभी गाइस मैंने अपने दोनों पिज्जास कलेक्ट के लिए, सो अभी चलते हैं गाइस घर पे एंड वहाँ पे चलकर ट्राई करने वाले इन दोनों पिज्जास को एंड देखने वाले कि इन दोनों में सबसे ज्यादा बेस्ट कौन सा है। yeah, yeah. MD, JPB. Why you mad? I got a bad bro, name hot in these streets, no Tabasco, but I'm so stuck. ऑल राइट एवरीवन, सो गाइस अभी मैं आ चुका हूँ गाइस घर पे एंड घर पे आने के बाद अभी मेरे सामने गाइस दो पिज्जा। सो सबसे पहले गाइस ये वाला डोमिनोज का पिज्जा, ये मेरे को पड़ा है गाइस 99 रुपीज का। मैंने इसको पहले भी ट्राई किया, सो इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है एंड इसके कंपेयर में गाइस मैं यहाँ पे ट्राई करने वाला हूँ अगरतला का एक लोकल पिज्जा, जो ये है गाइस पिज्जारिया का पिज्जा। सो ये पिज्जा मेरे को पड़ा है 245 का। सो ये है गाइस 99 एंड ये है गाइस 245। सो अभी देखते हैं कि कौन सबसे ज्यादा बेटर है, 99 या फिर 245। सबसे पहले तो गाइस मैं अभी ट्राई करता हूँ ये वाला डोमिनोज का पिज्जा एंड गाइस इसके साथ में गाइस मेरे को दिया है गाइस यहाँ पे 3 केचप, चिली फ्लेक्स कुछ है शायद, पता नहीं ये चीज क्या है, ये मेरे को पता नहीं, शिक्षा मेरे तक पहुंची नहीं है गाइस। तो अगर आप लोगों को अगर पता है कि ये चीज क्या है तो आप लोग मुझे जरूर कमेंट करके बताएं कि ये चीज क्या है। गाइस आप लोग यहाँ पे देख सकते हो जो गाइस डोमिनोज है वो कोरोना का बहुत ज्यादा ख्याल रख रहा है, तो आप लोग ये वाला इनका ये चीज टैग देख सकते हो। सो ये बहुत अच्छी बात है। सो अभी देखते हैं कि खा के ये चीज कैसे है खाने में। इसके अंदर की जो स्टफिंग है ना वो कमाल की है, की जो थिकनेस है ये आप लोग देख सकते हो, ये इतना मोटा है। सो अभी इसको खा के देखते हैं सब कुछ कैसा है। फर्स्ट बाइट डोमिनोज पिज्जा, हाउ इट गोस। गाइस ये चीज कमाल की है, इसके अंदर की जो स्टफिंग है कमाल की है। गाइस इसका जो आउटर लेयर है बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी है, ये चीज ऐसे ही बहुत अच्छी है, पर इसके अंदर जब ओरिगेनो डलता है, चिली फ्लेक्स डलते हैं उनके साथ में गाइस ये चीज कमाल की है। जो चिली फ्लेक्स है वो ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा तीखा है, पर ये चीज खाने में बहुत अच्छी है इन सब के साथ में। अगर पिज्जा के बाद ना, सो उसमें गाइस डोमिनोज के बारे में कुछ भी नहीं बोल सकते, उनका फ्लेवर बहुत अच्छा होता है। सो 99 रुपीज में गाइस ये चीज बहुत अच्छी है। गाइस ये चीज खा के गाइस गला मेरा बिल्कुल सूख गया है, गले को थोड़ा सा आराम देते हैं। सो ये गाइस कोक। सो द नेक्स्ट स्टेप वी हैव द लोकल पिज्जा। पिज्जेरिया बेसिकली अगरतला में एक लोकल पिज्जा शॉप है। तो ये पिज्जा मेरे को पड़ा है 245 का। सो अभी देखते हैं कि एज कम्पेयर टू डोमिनोज पिज्जा ये चीज कितनी अच्छी है या फिर ये चीज कितनी ज्यादा बुरी है खाने में। तो इट गोस।
सो गाइस, क्या आप लोग को पता है कि इस बॉक्स में से क्या निकलने वाला है? ऑब्वियसली पिज्जा ही निकलने वाला है। कितना बेवकूफ जैसा गाइस क्वेश्चन है। ओहो, yeah, yeah. MD. So, ये मेरे को पड़ा है गाइस 245 का। तो उसके हिसाब से गाइस मुझे ये वाला पिज्जा बहुत ही ज्यादा छोटा लगा। So, इसके साथ में गाइस जो चिली फ्लेक्स एंड गाइस जो ओरिगेनो दिया है ना, वो उसकी गाइस आप लोग पैकेजिंग देख सकते हो। एंड गाइस ये है गाइस डोमिनोज का, तो आप लोग देख सकते हो गाइस क्लास बहुत ज्यादा है। वो था गाइस 99 का पिज्जा एंड ये है गाइस 245 का पिज्जा। सो एज कम्पेयर टू प्राइस, सो ये चीज बहुत बुरी है। सो गाइस ये जो लोकल पिज्जा है गाइस, गार्निशिंग में बहुत कुछ है। इसके अंदर है गाइस प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च एंड मशरूम। सो गाइस इसकी जो थिकनेस है वो आप लोग देख सकते हो। सो एज कम्पेयर टू डोमिनोज, सो गाइस ये बहुत ही ज्यादा पतला है। पर गाइस इसके अंदर की जो गाइस मेयोनीज एंड गाइस जो चीज की जो लेयरिंग है ये बहुत ज्यादा अच्छी है। एंड अभी इसको खा के देखते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है। गाइस ये बहुत ज्यादा गाइस ये चीज तीखी है। इसके अंदर की गाइस जो चिली फ्लेक्स है वो भी बहुत ज्यादा तीखी है। मैंने ऐसा नहीं कि मैंने पूरा डाल लिया है, ये पूरा यहाँ पे बाकी है। मैंने बस हल्का सा ही बस एक लेयरिंग की इसकी, पर ये चीज बहुत ज्यादा तीखी है गाइस। मेरे पूरे होंठ जल रहे हैं। एज कम्पेयर टू प्राइस ये बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए थी, पर जितना इसका प्राइस है तो उसके हिसाब से गाइस ये चीज़ उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। इसके अंदर की जो लेयरिंग है वो एज एन दिखने में बहुत ज़्यादा अच्छी है। मशरूम भी है, शिमला मिर्च भी है, टमाटर भी है, प्याज भी है, पर गाइस खाने में ये चीज़ बहुत बुरी है। ये वाला पिज्जा मेरे को बिल्कुल भी पसंद में नहीं आया। तो आज मैंने ट्राई किया था दो पिज्जा 99 vs 249। एज कम्पेयर टू प्राइस, सो गाइस यहाँ पे डोमिनोज क्लियर कटली विनर है। सो अगर आप लोग मेरे से पूछते हो कि आप लोगों को अगरतला का लोकल पिज्जा, आई मीन की जो 245 का जो पिज्जा है, वो ट्राई करना चाहिए कि नहीं, तो फिर मेरा आंसर है नहीं। नहीं सुना आप लोगों ने, एक बार और सुन लो, नहीं। सो गाइस आप लोग मुझे जरूर कमेंट करके बताओ कि तुम लोगों ने अगरतला का लोकल पिज्जा, आई मीन के पिज्जेरिया का पिज्जा पहले ट्राई किया है क्या? अगर ट्राई किया देन वो चीज़ आप लोगों को कैसे लगी है? सो वो भी आप लोग मुझे प्लीज कमेंट करके बताओ, क्योंकि मैं सच में जानना चाहता हूँ। और हाँ गाइस, मैं अपने चैनल के रिगार्डिंग सारे अपडेट अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर डालता हूँ। सो तुम लोग मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हो। एज ऑलवेज थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज मी द स्मेल गुरु साइनिंग ऑफ।